नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। हिजाब एक ऐसा शब्द जिसे लेकर सियासी जुगलबंदी तेज होती जा रही है। इसकी चर्चा गांव की गलियों से निकल के सियासी घरानों में भी होने लगी। दिन ब दिन ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं। विपक्ष हिजाब का मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं लगातार छिड़े इस सियासी संग्राम को देखते हुए सरकार इस पे कुछ फैसला लेती है कि नहीं, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन हम आपको बता दें कि ये मामला हाई कोर्ट में लंबित पड़ा हुआ है और अभी तक 9 सुनवाई हो चुकी हैं और आज 10वीं सुनवाई है। अब आइए जानते हैं कि क्या है हिजाब का पूरा ये मामला। हम आपको बता दें कि हिजाब एक प्रकार का स्कार्फ या कपड़ा होता है जिससे मुस्लिम महिलाएं अपने बाल ढकती हैं। ऐसा मानना है कि इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है कि उनकी विनम्रता और गोपनीयता बनी रहे। ऐसा करना केवल इस्लाम धर्म तक ही नहीं सीमित है, इसके अलावा यहूदी और ईसाई धर्म में भी इसको अपनाया जाता है। इसके अलावा अब हम डालते हैं हिजाब की ऐतिहासिकता पर नजर। आपको बता दें कि साक्ष्यों के हिसाब से पता चलता है कि हिजाब की शुरुआत इस्लाम के अंतिम पैगंबर द्वारा नहीं की गई थी। ये उस दौर की सामाजिक स्थिति से पहले से ही जुड़ा था। कुरान के मुताबिक पता चला है कि इसका इस्तेमाल मोहम्मद की पत्नी होने के साथ एक दूसरे के लिए किया गया था। बात 1960 और 1970 के दशक के बीच की है। उस समय मुस्लिम देशों में पश्चिमीकरण का खूब बोलबाला हो गया, जिसमें ये फैसला लिया गया कि अगर महिलाएं अपना घर छोड़ती हैं तो हिजाब पहनना जरूरी होगा। हालांकि साल 1979 में इस कानून के विरोध में काफी व्यापक प्रदर्शन हुआ। यह कानून महज ईरान में ही लागू किया गया था, किसी अन्य मुस्लिम देश में यह कानून लागू नहीं किया गया था। इसके अलावा हम आपको बता दें कि हिजाब का उदय फिर से 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मिस्र में इस्लामी विश्वास के साथ शुरू किया गया। इसके बाद से ये लगातार विश्व के अधिकांश देशों में प्रचलन में आ गया। अब हम आपको बताते हैं कि इन दिनों फिर से क्यों गरमाया है हिजाब का मुद्दा। बीते कुछ दिन पहले की बात है कि कर्नाटका राज्य में स्कूलों में ये फैसला लिया गया कि मुस्लिम छात्राएं कॉलेज कैंपस में हिजाब के बजाय ड्रेस कोड में आएं। कॉलेज प्रबंधक के इस फैसले पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई तो कुछ लोग इसके पक्ष में रहे, लेकिन धीरे धीरे ये मामला तब तूल पकड़ने लगा जब हिजाब के विरोध में स्कूली छात्रों ने भगवा रंग का गमछा लेकर मुस्लिम छात्राओं के सामने प्रदर्शन करने लगे। देखते देखते लोगों की भारी भीड़ वहां एकत्रित हो गई और लोग हिंसात्मक नारे लगाते हुए, इसके बाद जैसे ही इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो इस पर देश विदेश से प्रतिक्रिया आने लगी, जहां पर देश के दिग्गज नेता इस पर ट्वीट कर अपनी बात कर रहे हैं, तो वहीं विदेशों में भी बहुतायत मात्रा में ट्वीट करके लोग अपनी बात को सामने रख रहे हैं। आपको बता दें कि मामला इतना बढ़ गया है कि यह हाई कोर्ट तक पहुंच गया, जिसे हाई कोर्ट ने आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब इस पे क्या फैसला आएगा ये समय बताएगा। आइए अब हम आपको बताते हैं कि हिजाब पर क्या बोले हैं सियासी शूरमा। हिजाब के उठते तूफान के बीच प्रियंका गांधी ट्वीट करते कहती हैं कि चाहे वो बिकनी हो, घूंघट हो, जीन्स हो या हिजाब, महिलाएं ये खुद निर्भर करेंगी कि उन्हें क्या पहनना है। इसका अधिकार उन्हें भारतीय संविधान के तहत मिला, इसलिए महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करो। इसके अलावा ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि हिजाब पहनने के अधिकार के लिए लड़ रही हमारी बहनें इस लड़ाई में सफल हों। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कर्नाटक राज्य में धारा 15, 19 और 21 का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मैं कर्नाटक सरकार के इस फैसले की निंदा करता हूं।
हिजाब मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कहा कि देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, इसके लिए कोई और नहीं बल्कि भाजपा जिम्मेदार है। लालू यादव यही नहीं रुके, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आजादी के 70 साल के बाद एक बार फिर नया अंग्रेज भाजपा के रूप में सामने आया है। तमाम उथल पुथल के बाद आने वाला समय बताएगा कि आखिर किस मोड़ पर जाता है हिजाब का मामला।